बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की भी इस वीडियो में जो कि हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का जवाब करते हैं। एक भाई ने पूछा था कि सर आप कितने अरसे में ठीक हुए, कितने डेज थे या कितने मंथ्स थे जो इस पूरे प्रोसेस को लगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मेरा जो सारे बाहर निकलने का जो प्रोसेस था ना, वो बड़ा गलत था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे केस में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे गाइड करता, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो गाइडलाइन देता, कोई मुझे पता नहीं था। और बस जिस बंदे के पास भी बैठा उसने अपनी कहानी सुनाई और मैंने उस कहानी पे यकीन कर लिया। मेरी एक सबसे गंदी आदत ये है कि मैं लोगों पे यकीन बड़ी जल्दी कर लेता हूँ, मेरी गंदी आदत ये है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, जब मैंने तकरीबन इन सारी चीज़ों को, मेडिसिन वगैरह को स्टॉप किया था, उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी अपनी गलती मानता हूँ मैं गलतियाँ अगर आपको बताना चाहूँ तो जो सबसे हिटलिस्ट गलती थी ना, वो मेरी ये थी कि मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। मैंने खुद को जो है ना, वो एक सेफ जोन में ले आया था, कंफर्ट जोन में ले आया था। मैं घर से बाहर नहीं जाता था। मैंने अपना बिज़नेस ख़त्म कर दिया, अपना बिज़नेस दूसरे लोगों के हैंड ओवर कर दिया। तो जब दूसरों के हैंड ओवर करते हो तो वो ख़त्म ही हो जाता है। मैं घर में बैठ गया और मैंने घर में जब मैं आया तो मैं समझता हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ज़्यादा तब आया। और मेडिसिन छोड़ने के बाद अगर किसी चीज़ ने मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब की तो वो घर में बैठने से की हुई। मैं घर में बैठा रहता था, हर टाइम घर में बैठा हूँ तो बहुत ज़्यादा थकावट है, उठने की हिम्मत ख़त्म हो जाती थी, परेशान रहता था, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ओसीडीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी मेरी, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते थे। इस चीज़ को लेके जब मैं बाहर जाने का सोचता था, मुझे लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा मुझे वॉमिट्स होना शुरू हो जाएंगी। मेरी वैसे वॉमिट्स मुझे महसूस भी होती थी। मैं सोचता था जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे वॉशरूम की हाजत होगी, तो मैं कहाँ वॉशरूम जाऊंगा। और मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम्स जाना पड़ेगा तो मैं तो पब्लिक टॉयलेट में जा नहीं सकता, फिर मैं क्या होगा, मेरी वो हालत कैसी होगी। और मुझे लगता था कि मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। ये वो डर थे, वो फियर्स थे जो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देते थे। और इसी वजह से अगर मैं बाहर जाता भी था तो मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता था, मैं बाहर से थोड़ा सा आगे से जाके वापस आ जाता था। और ये मेरी सबसे बड़ी बेसिक गलती थी। इस गलती की वजह से मुझे बहुत अरसा लग गया, तकरीबन 3.5 साल लग गए जो मैंने इस गलती को पकड़ के बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। बहुत डरा मैं इससे, इसकी वजह से मुझे सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा आए कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था कि यार ये क्या ज़िंदगी चल रही है, ये किस तरह की लाइफ है जो मेरी, मुझे इतनी आवाज़ार और इतनी अजीरन कर दिया जिस लाइफ ने। मैं हर छोटी से छोटी तकलीफ को बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेता था, बहुत ज़्यादा। मुझे हर बार यही लगता था कि मुझे बार बार मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, बार बार मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। मैं ज़रा आगे जाता था फिर मैं पीछे की तरफ चला जाता था। मेरी एक और भी बड़ी गलती थी कि मैं अगर 10 दिन ठीक रहा हूँ ना और एक 11वें दिन मैं बीमार हो गया हूँ तो मैं उस 10 दिनों को भूल जाता था। मैं कहता था यार मैं बीमारी क्यों हूँ और मैं इसी बीमारी में सदा रहूँगा, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, मैं तो निकल ही नहीं सकता। नेगेटिव अफर्मेशन बहुत ज़्यादा मैं खुद को देता था, मैं बीमार हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं भटका हुआ हूँ, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए इस दुनिया से, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे घर वाले मेरे से मोहब्बत नहीं करते, मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरी बीवी मेरी उस तरह इज्जत नहीं करती। ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर पकती रहती थी और ये चीज़ मुझे मज़ीद डिप्रेस करती थी। और ये सारी इसलिए होती थी कि मैं जब नेगेटिविटी को देखता तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को देखता हूँ, पॉजिटिविटी तो मैंने इस अरसे में देखी नहीं। बट मैंने जब खुद को चैनलाइज करना शुरू कर दिया, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया, मेरी एक सबसे अच्छी जो चीज़ इन सब में रही वो मैं एक डायरी मेंटेन करता था। और मज़े की बात है वो डायरी एक सीक्वेंस में डायरी नहीं थी, मैं पेजेस पे लिखता रहता था, बच्चों की कॉपियों पे कभी लिख लिया, कभी वो जो रजिस्टर्ड के पेजेस होते थे उनको फाड़ के लिख के उन पे फिर उनको फाड़ देता था, क्योंकि मेरी था कि कोई पढ़ ना ले, कोई मतलब देख ना ले कि ये किस कैफियत में है, किस में। इस सब में मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। अगर आप कहें कि मैं इस सब में कितने अरसे में निकला, तो मैं 3.5 साल में निकला, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड होता तो शायद ये 6 दिन भी ना लगते, शायद, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल जाती कि यार ये करना कैसे है। जब मैं कर रहा था मुझे कोई पता नहीं था किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, मुझे कोई पता नहीं था कि खाने पीने का इसमें क्या रोल होता है, एक्सरसाइज का क्या रोल होता है, चलने फिरने का क्या रोल होता है। मैं तो एक ही जगह पर बैठ गया था, बस उसी जगह पर बैठ के ज़िंदगी को देख रहा था और सोच रहा था यहीं से जो ज़िंदगी नज़र आ रही है बस यही ज़िंदगी है। और इसी गलती ने मुझे इतना ज़्यादा कर दिया कि ये जो प्रोसेस था ये 3.5 साल तक चला गया। वरना अगर इसको मैं देखता हूँ तो मैं अपने जितने भी लोग होते हैं मैं उनको सबको एक ही चीज़ करता हूँ कि विद इन 3 to 6 months आप अपनी प्रॉब्लम को अगर देखो कि वो 50% भी कम हो रही है तो मतलब आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हो। अगर वो 30% भी है तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हो। और अगर वो 20% भी है फिर भी ठीक डायरेक्शन में हो। एक दिन बुरा आप ये ना सोच लो कि सारे दिन बुरे हैं। एक दिन बुरा मीन्स आप 10 दिन जो अच्छे गुजरे वो देखो, 15 दिन जो अच्छे दिन गुजरे वो देखो। हम यही गलती करते हैं, एक दिन बुरा सारे दिन बुरे,
आपको समझना पड़ेगा कि आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप काटेंगे, जितना आप बोएंगे। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को देखना समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम वही चीज़ काटते हैं जो हम खुद पे लगाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती और ये होती है, एक उसके बाद एक और गलती भी ये होती है कि हम अपने अंदर ना वो पॉजिटिव अफर्मेशन देते ही नहीं हैं। हम खुद को नेगेटिव कहते रहते हैं, मैं तो कर नहीं सकता, मुझसे तो होगा नहीं, मैं कैसे करूंगा, मेडिसिन के बगैर मैं कैसे ज़िंदा रहूंगा, मेडिसिन के बगैर तो कोई नहीं ठीक हो सकता, मैं मेडिसिन के बगैर कैसे ठीक हूँगा, मेरे मेडिसिन नहीं लूँगा मुझे ये हो जाएगा, मेडिसिन नहीं खाऊंगा तो मुझे, यही गलतियाँ मैंने की और यही गलतियों ने मेरा प्रोसेस 3.5 साल से जो है ना वो 3.5 साल तक ले गई। अगर मैं ये गलतियाँ ना करता तो विद इन 6 मंथ्स मैं इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकता था। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर कोई बंदा हमारी वीडियोस को देखता है तो वो बहुत शॉर्ट अर्से में अपने अंदर वो चेंजेस कर सकता है जो वो सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारी वीडियोस हर सवाल का आपके जवाब है। ये वो सवाल थे जो मैं कभी गूगल करता था तो मुझे या तो खुदा ना खास्ता कैंसर से लिंक हुए मिलते थे, या कोई हार्ट अटैक से लिंक हुए मिलते थे, या बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम थी जैसे भूलने की बीमारी सर्च करते थे वो अल्जाइमर डिजीज़ आ जाती थी, हार्ट बीट के बारे में सर्च करते थे तो हार्ट अटैक आ जाती थी, कोई पेट में कोई क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में सर्च करते थे तो वो आपको कैंसर से लिंक होता, तो ये बहुत ज़्यादा डरा देती थी मुझे, ये चीज़ें मज़ीद आगे ले जाती थी। तो इनको अगर आप निकालो तो सारा जो अरसा था वो 3.5 साल था, और 3.5 साल में अगर मैं देखूं कि मेजर डेवलपमेंट जो हुई वो लास्ट के 6 मंथ्स थे, जिन्होंने हर चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता आंसर्स किया, वो कहाँ से किया, मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा तलाशा, मैंने अपने फूड फोबिया पे काम किया, अपनी हेल्थ पे काम किया, अपने GAD पे जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर पे काम किया, अपनी OCDs को ओवरकम किया, अपने डिप्रेशन को देखा, हर चीज़ को अपनी लाइफ में देखा। और आप देखें, एक वो बंदा जिसको डॉक्टर्स ने कहा कि आप पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ ही खाएंगे, और एक वो बंदा जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ऐसे ही नहीं हो गया, अगेन जिन लोगों को लगता है ये बड़ा आसान था उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़, सर तुसी ग्रेट हो, और जिन लोगों को लगता है ये नामुमकिन है, सर तुसी भी ग्रेट हो, और जिन लोगों को लगता है ये मुमकिन है लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है इसमें करने में, सर तुसी तो टू गुड ग्रेट हो, क्योंकि आप करने की हिम्मत और ताकत और पावर रखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, ज़िंदगी आसान होती नहीं है, आसान बनानी पड़ती है। वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मेल कर दें, वॉइस मेल आपकी वीडियो में यूज़ होगी, अगर आप वॉइस मेल करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका नाम हाइड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने वॉइस मेल दी और अपनी अपने मर्ज़ी से दी, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कुछ अरसे बाद ये हमारी वॉइस मेल डिलीट कर दें या हमारी वॉइस मेल को रिमूव कर दें। इससे क्या होगा, इससे देखें हमने एक वीडियो बनाने में एक मेहनत की है, हमने एक टाइम लगाया, एक वक्त लगाया, हमारी एनर्जी लगी है, हमारे ये बिजलियाँ लगी हैं, सारा कुछ लगा है। अब इसकी जो कॉस्ट है वो हमें कहाँ से पे होगी, वो हमें गूगल यूट्यूब से वीडियोज़ के जो व्यूज़ आएंगे उसके ज़रिए से हमें पे होगी, हमारा को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे लिए। तो जब वो वीडियो थोड़ी वायरल हो, थोड़ी आगे जाए और आप कहें कि जी इसको डिलीट कर दें, आज जी मेरी वॉइस मेल कोई सुन लेगा, ये कर लेगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमने इसी वजह से 2-3 लोगों की वॉइस मेल्स को प्ले नहीं किया, वीडियोस भी बन गई थी और वो प्ले भी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं सर हमारा ये है वो है। पहले सोचें आपके किसी बंदे की मेहनत लग रही है, किसी बंदे का वक्त लग रहा है, खुदा के लिए ऐसा ना करें। और इस चीज़ों को अगर आप देख के सोच के चलेंगे तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। देखें हमारा मकसद ये ज़िंदगी का होना चाहिए कि अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है हम भी उसके साथ अच्छा करें, अगर कोई बंदा अच्छाई का काम कर रहा है तो सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने उसके साथ खड़ा होना है और उसकी पूरी मदद करनी है कि वो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सके, और ये सब आपकी मदद के बगैर नामुमकिन है। तो वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखें, इन पर अमल करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।